अस्सलाम वालेकुम। ये जुल्म बहुत हुआ मेरे शोहर पे, मेरे बच्चे पे, मेरे भांजे पे। जो घर में हमारे किराए से है, उसका नाम हबीब मुस्तफ़ा है और एकेडमी चलाता हूँ, बॉक्सिंग एकेडमी चलाता। हर टाइम उन्हें हर ऐसी करा हमारे साथ, हम उसके बातों में गई लगा ली ही नहीं हम। आज खाली बच्चा छोटी सी गलती कुछ भी नहीं, इतना बोले बच्चे सता रहे हैं तो ऐसा बोले तो वो बात को लेके इशू करके इतना बड़ा करा, बुला के बात करता बोल के इतना इसम मारा। मैं गई, मेरे पर भी हमले हुए, मैं बच्चों को और मेरे हस्बैंड के बचाने के वास्ते गए तो मेरे को भी हमला करे मेरे झगड़े ऊपर। वगैरह करते थे क्या पहले से आपका कुछ भी? नहीं, ऐसी तो उन्हें रूडली बात करता था, हम उससे बात ही नहीं करते थे, हम बात ही नहीं करते थे उससे। उसके बच्चे हमारे घर में आके खेल लेते थे, बच्चे मेरी बच्ची ट्यूशन पढ़ाती थी इन बच्चों को उसके। उन्हें अगर बच्चा भी अगर ये हमारा बच्चा है तो छोटे बच्चे को उसकी बीवी से नकाबपोश के सरकार ने रखता, तो 2 से 2 लाख हम डाल के चले पाबंदी करें, जाता, हम भी हम पाबंदी करें, उसको कुछ ये नहीं कर रहे तेरा इसके बारे में। हम पाबंदी उन्हें भी पाबंदी हम पाबंदी करें, मगर उन्हें गलत फायदा उठाया, हम कुछ कुछ करे ही नहीं उसको, अल्लाह बेहतर जानता। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरे शौहर को बहुत बुरे तरीके से मारे, बच्चे को भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। मैं गई पूरे 20-25 आदमियों के बीच में, मैं जाके बचाई मेरे आदमी को। जी आपको भी मारा लगेगा क्या? हाँ नहीं, मेरे को हमला हुआ तो दूसरे के ऊपर जो आए चलो बीच में आए उनको लग गया। अब क्या होना। मैं बीवी हूं उनकी, से मेरे को इंसाफ चाहिए। जो भी बड़े हैं जो देखो, आप भी तहकीकात करो, फुटेज निकालो और किसकी इसकी गलत। कंप्लेंट करें आप लोग जी हाँ, कौन से पीएस में करेंगे? या फलकनुमा पीएस में। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं बयान दे रहा हूँ, मेरे घर में किराए से रहता है, हबीब नाम मुस्तफ़ा बोल के नाम है उसका, बॉक्सिंग चैम्पियन है वो, और मेरे घर में किराए से है। उसके बच्चे जो है घर के नीचे गड़बड़ कर रहे थे, कारों को फतरे वितरे मार रहे थे, तो नहीं मारना बोल के उसको बोले, बच्चों को बोले, तो उन्हें उसका गलत मतलब निकाल के क्या है सो बच्चों को हाथ उठाया मेरे भांजे के ऊपर, जिन्हें ऐसा बोला बोल, तो वो भांजा भी मेरा बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोला, आपको गलतफहमी हुई, मैं ऐसा नहीं बोला। उनके बोले तो देख तेरे को समझा दे रहा हूँ मैं, बोल के उसका गल्ला पकड़ा और मेरे को नल्ला पकड़ के मारने की कोशिश करा। फिर थोड़ी देर के बाद में से ठहर मैं तेरे को अभी बताता हूँ बोल के जाके उसके अकाडमी के बच्चों को, कम से कम 12 से 15 बच्चे हैं वो, और स्टिक राडा लेके आया, स्टील के राडा लेके आया और वो बैट लेके आया, वो कोसा की बैट बोलते कहते मेरे को तो नहीं मालूम है, मगर जी वो बैटा लेके आया कम से कम, हाँ वो राडा और पाइपा वो लेके आके 12 से 15 बच्चे है वो, इन्हें इसका जो काम करते वो बच्चों को लाके मेरे घर पे हमला करा, और मेरा बच्चा ठहरा था वहां पे, वो बच्चे को 4-5 जनों घेर लिए और मेरे भांजे को, मेरे को हम हो गए हैं 3 जने, वो लोग हो गए 12 से 15 आदमी एक ही साथ में, मेरे को बॉक्सिंग चैंपियन के सर का हाथ उठा के ऐसा मारते गया वो कि ये मेरे को पूरा ये सूज गया, निकल आंखें पंच को ये हो गया, निकल पंच हाथ में पंच पेन लेके मारा मेरे को, यहाँ पर ये पूरा सूज गया सो, पूरा पंच लेके मारा पूरा सूज गया सो, ये बच्चे को भी मारा तो हाथ फ्रैक्चर होगा, ये देखो ये हाथ फ्रैक्चर होगा बच्चे का, और मुंह मुंह पे मारा पे नहीं। मारा, और ये बच्चे को क्या है यहाँ हाथ पे मारा, यहाँ यहाँ उसको मुंह पे मारा, यहाँ फसलिया में मारा, पूरे लकड़ियों से मारे वो लोग आके घेर के हमारे ना गली में, स्टील हमारे वाला को हमारे घर में घुस के हमारे बीवी आके ये बच्चे को बचाने गए, तो बीवी के आपका घर ऊपर किधर है? मेरा घर मदीना कॉलोनी में है, रैतू बाजार पीएस के बीच में से जो गली जाती है सेंट पाइज स्कूल है। हाँ आप इसकी कंप्लेंट करें, पुलिस अभी कंप्लेंट दे के आया मैं इसकी, अभी से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? 2 घंटे के बाद FIR कॉपी आके लेके जाओ बोले साहब। साहब मेरे को सर्कल साहब पूछे कैसा हुआ क्या है, बोले तो मैं हकीकत बताया कि वो लोग आके हमारे ऊपर जुल्म करे साहब, मेरे घर में किराए से रह के हम लोगों को खुद आके वो लोग बच्चों को लाके एक प्लान से पहले बीवी को छोड़ के आके फिर उन्हें प्लान से आके बच्चों को लेके आके मारा दो, जी मेरे को इंसाफ चाहिए जाके वहां तक।